नथानी, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वर्षा नथानी। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके पास जरूर जरूर होने चाहिए इस सीजन में, क्योंकि अभी क्या है गर्मियों का सीजन काफी हद तक स्टार्ट हो चुका है। इस सीजन में क्या होता है, स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना बहुत आता है। आप भले एक दो बार नहाए, तीन बार नहाए, पर उसके बाद क्या होता है आधे घंटे तक की फ्रेशनेस रहती है, उसके बाद हम लोग का वही हाल हो जाता है जैसे कि पसीना आना या मतलब चिपचिपाहट हो गई या बॉडी ऑडर हो गई, मतलब कि पसीने की बदबू हो गई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमें स्टार्ट हो ही जाती है। क्योंकि इस मौसम में क्या है, आप कितने बार कितना भी आप फ्रेश मतलब महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि इस सीजन में मतलब क्या होता है कि मतलब कहीं पे बाहर जाओ बिना पसीने, बिना थकान, बिना अपने चेहरे पे मतलब टायर्डनेस लिए आप वापस नहीं आ सकते। तो आज के जो प्रोडक्ट है वो आपके पास जरूर जरूर होने चाहिए। आज के प्रोडक्ट का बजट मैंने 100 रुपीज़ ही रखा है। कुछ ऐसे एक दो प्रोडक्ट्स हैं जो 100 रुपीज़ से ज़्यादा एक्सीड हो गए, तो उनका भी मैं लिंक दे दूंगी एंड आपको साइड में उन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे आप नीचे इंस्टाग्राम की आईडी भी मेरी शो हो जाएगी, आप उस पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहला प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सनस्क्रीन। अगर आप लोगों ने अब तक सनस्क्रीन परचेज नहीं किया तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप सनस्क्रीन आप कोई भी ब्रांड की परचेज कर लीजिए, क्योंकि इस समय क्या होता है सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम लोग कहीं पर बाहर जाते हैं बिना सनस्क्रीन लगाए जाते हैं तो जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हो गई जैसे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, झाइयां, रिंकल, ये सब काफी हद तक इनके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा धूप होती है एंड उस सन की जो रेज होती है वो सीधा हमारी स्किन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक तरीके से बैरियर की तरह काम करता है हमारी स्किन और सन की रेज में। तो आप मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगी आपके पास इस मौसम में इस सीजन में सनस्क्रीन तो जरूर होने चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके पास जरूर होना चाहिए सीजन में, वो है शावर जेल एंड स्क्रब। जी हाँ, हमें इस समय बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे कि हमारी जो स्किन है वो क्लीन रहे, वो काफी हद तक मॉइस्चराइज रहे, या हमें मतलब जब भी हम लोग नहाने जाए तो हमें काफी अच्छा रिलैक्सेशन फील हो, क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि हमें कुछ ना कुछ एक अच्छा चाहिए होता है हमारी स्किन के लिए, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, एक्सफोलिएटर हो या स्क्रबर हो। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ साइड में अपनी वीडियो के, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप चाहे तो वो प्रोडक्ट भी मंगवा सकते हैं, वो अंडर 100 है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप कुछ और भी मंगवा सकते हैं, पर जो प्रोडक्ट्स मैं इधर अटैच कर रही हूँ वो आपको उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो इधर मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगी बायोटिक का स्क्रब जो कि अंडर मतलब 98 रुपीज़ है, अंडर 100 है। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है, मैं इसको यूज भी कर चुकी हूँ इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी। देन दूसरा मैं शावर जेल जो रिकमेंड कर रही हूँ वो है पियर्स का, वो आपको नेचुरली बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है, बहुत ही अच्छा ये काम करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा एंड मॉइस्चराइज भी करेगा। तो ये जो कुछ प्रोडक्ट्स है वो जो मैं आपके साथ शेयर करूँ जैसे कि स्क्रबर हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया या शावर जेल हो गया, ये आपको जरूर यूज करना चाहिए गर्मियों में, हफ्ते में एक बार तो आप जरूर यूज कीजिएगा। उस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स। परफ्यूम्स आपके पास जरूर होने चाहिए इस सीजन में, क्योंकि आप कितना भी फ्रेश फील कर लीजिए पर वो आधे घंटे तक ही रहता है, पर जो परफ्यूम जो होता है वो एक अच्छा मतलब स्मेल करता है। आप किसी के पास भी जाए तो आपके में से एक अच्छी खुशबू आ रही होती है, तो एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी हद तक भर जाता है। एंड अगर आप बहुत ज्यादा और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी डिओड्रेंट्स भी रिकमेंड करूंगी, वो भी 150 के अंडर आ जाता है। इधर एक नीविया का डिओड्रेंट आपको रिकमेंड करूंगी, वो अंदर 150 है, ये भी बहुत अच्छा है, ये एक रोल ऑन की तरह है, ये भी काफी अच्छा यूज करता है हमारे, अगर हमारे में बॉडी ऑडर आ रहा होता है तो हमें एक अजीब सा अनकंफर्टेबल फील होता है। अगर हमारे में से एक फ्रेगनेंस आती है, एक हल्की सी खुशबू आ रही होती है, चाहे वो परफ्यूम की हो चाहे वो डिओड्रेंट की हो, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है और हम लोग भी कुछ अंदर से कुछ अच्छा मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है फेशियल वाइप्स। जी हाँ, जब भी हमें हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें पसीना आता है, हम लोग क्या करते हैं हैंकी रख लेते हैं, पर वो हैंकी हम लोग एक बार उसे अपना फेस पोंछे, पसीना पोंछे तो समझ में आता है, दो बार पोंछे समझ में आता है, तीसरी बार वो एक हैंकी भी उसमें एक अलग सी एक मतलब बदबू तो नहीं कहेंगे बट उसमें एक अलग सी वो आ जाती है जिसकी वजह से हमें हमारा फेस है वो साफ नहीं होता। अगर आप लंबे टाइम के लिए आप लोग अगर घर से बाहर जा रहे हैं 4 से 5 घंटे तो मुझे नहीं लगता कि एक हैंकी इनफ है, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी फेशियल वाइप्स। जी हाँ, फेशियल वाइप्स आपको बाजार में अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे। इधर कुछ मैं भी प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रही हूँ जैसे कि हो गया हिमालय के वाइप्स, इसमें भी आपको अलग अलग ब्रांड के आप लोग चूज कर सकते हैं, एलोवेरा के होगा या इधर में काया के भी
रिकमेंड करूंगी, वो भी काफी अंडर बजट 100 है। ये जो फेशियल वाइप्स होते हैं या फेस वाइप्स होते हैं, ये इनमें एक अलग ही मतलब फ्रेग्रेंस होता है, इसमें एक अलग ही विटामिन ई ऑयल हो गया या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे फेस को अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं, पसीना तो पोंछते हैं बट एक्स्ट्रा हमारे स्किन को उस समय ग्लोइंग इफेक्ट भी दे रहता है। तो मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगी, ये बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, अंडर 100 होते हैं। आप कहीं पे भी जाए एक पैकेट लेके खरीद के आप अपने बैग में जो आपका हैंड बैग होता है उसमें आप डाल के रख सकते हैं। आपके साथ आपको सजेस्ट करूंगी वो है वुमेन्स के लिए स्पेशली, वो है रेजर्स। या तो आप रेजर का भी यूज कर सकते हैं या तो आप वैक्स का भी यूज कर सकते हैं। गर्मियों में क्या होता है, इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है तो एक तरीके से जरूरी हो जाता है कि हम लोग अपने हैंड्स या लेग्स के जो हेयर्स हो गए वो शेव करके रखें या वो मतलब उनको हटाएं, चाहे वो वैक्स के थ्रू हटाएं या वो रेजर के थ्रू हटाएं, क्योंकि उससे क्या होता है एक तरीके से मतलब हमारे जो हाथ पैरों को काफी लाइटिंग भी फील करते हैं एंड उनमें एक अलग से एक सॉफ्टनेस भी आ जाती है। एंड अगर आप कुछ भी अगर गर्मी में मतलब स्लीवलेस पहन रही है या शॉर्ट्स पहन रही है या स्कर्ट्स पहन रही है तो उसमें भी काफी हद तक हमारी हेल्प हो जाती है। हेयर्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमको एक इरिटेशन लेवल हम लोगों का बढ़ा ही देता है। सर्दियों में तो कुछ नहीं होता बट गर्मियों में हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा पहन ही लेते हैं, जैसे कि शॉर्ट्स स्कर्ट्स या कुछ भी ऐसा पहन लेते हैं या कुछ ऐसा नहीं भी पहने, एक आप नॉर्मल अपने हाथ और आपके पैर वैक्स किए हुए होंगे या उनमें से बाल हटे हुए होंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा फील करता है। अगर आपके अंडर्म्स भी अगर आपकी क्लीन है तो वो भी काफ़ी हद तक अच्छा फील करा देगा, वो एक इरिटेशन लेवल भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको सजेस्ट किए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये जो प्रोडक्ट्स वो पर्सनली मैं अपने पास ज़रूर रखती हूँ इस सीज़न में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, एम ए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।